हमारे देश में जो अलग अलग सामाजिक समस्याएं हैं उसमें से एक सबसे बड़ा है गरीबी। ये अभिशाप हमारे देश से मिटता हुआ नजर नहीं आता। इस अभिशाप से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जूझ रहे हैं। वे गरीबी के कारण शिक्षा और अपने मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर इतना हौसला होता है, इतनी हिम्मत होती है और पढ़ाई के लिए इतनी लगन होती है कि वे सारी विपरीत परिस्थितियों पर मात दे जाते हैं। उनके सामने सारी विपरीत परिस्थितियां बौनी नजर आती हैं। एक ऐसे ही बच्ची से हम आज मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है मुस्तरी। मेरा नाम मुस्तरी खातून हुआ। मैं पटना जिला नवत ब्लॉक निसरपुरा गांव के रहने वाली हूँ। पापा डेट कर गए थे तो घर में स्थिति बहुत दयनीय हो गया था। खाने पीने की कुछ नहीं था तो हमें सोचना मन में आया एक विचार कि हमें भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो मैं हॉस्टल में ही ज्वाइन किए। उसमें पहले खाना बनाते थे और साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। मैं नवतपुर 5 साल हॉस्टल में काम किया और फिर मैं उसके बाद पटना गई और मिशन स्कूल में मैंने पढ़ाया और 4-5 महीना से दीदी भी काम करना स्टार्ट कर दी है और हम दोनों काम करते हैं और घर को चलाते हैं और खुद ही पढ़ते हैं और भाई को पढ़ाते हैं। मेरी छोटी बहन पढ़ाई लिखाई चला रही है मिस्टरी खातून जो है। आज बड़ी बहन जमीला खातून जो समय का पढ़ा रही है, जो बहुत मेहनत करती हैं। उसके बाद अच्छी तरह से वह कैसे जुगाड़ करती हैं कि पढ़ाई लिखाई जारी ये करे। मेरा भाई दोनों मेहनत बहुत करती हैं, वो अपने खुद पढ़ती हैं और मेरे को भी पढ़ाती हैं। मैं अभी 10+2 कर रही हूँ और मैं नर्स बनना चाहती हूँ और कंप्यूटर क्लास भी करना चाहती हूँ क्योंकि किसी भी फील्ड में टेक्निकल होना जरूरी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुस्तरी से काफ़ी प्रेरणा मिली है और मुझे उम्मीद है कि दुनिया के तमाम लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। मैं वर्षा, कम्युनिटी करेस्पॉन्डेंट, बिहार, इंडिया अनहर्ड से।